गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्ण बेटा, हाउ आर यू? और बढ़िया। आई एम गुड। गणपति बप्पा मोरिया। आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया। गुड। नाइस टू सी यू। चलो बहुत बढ़िया। गणेश जी का नाम लेके शुरू करें क्या? है ना, शुरू करें। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, आप लोगों ने ट्राई करें क्या? ट्राई करें आप लोगों ने? ओके। अच्छा, ओके, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमने मैलेक और फ्यूमेरिक कर लिया था बेटा। मैलेक, हाँ, अच्छा स्लाइड नहीं दिख रही है, अभी कर दो। ओके, ठीक, करते हैं। आगे स्लाइड आ गई, दिख रही है सबको? दिख रही है स्लाइड? ओके, ठीक है। ओके जी, चलो बहुत बढ़िया। अपन बहुत बढ़िया। चलो लास्ट में जो क्वेश्चंस करे थे, मैलिक और फ्यूमेरिक समझ में आ गया था? मैलिक एसिड में एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होते हैं, तो पहले एच प्लस टू करने की टेंडेंसी को ही कंपेयर करते हैं। जनरली अगर क्वेश्चन आया अगर मैलिक और फ्यूमेरिक का, तो हमेशा एक एच प्लस लूज करने की टेंडेंसी को ही पूछा जाता है ना? अच्छा, इससे पहले था क्या कोई क्वेश्चन मैलिक फ्यूमेरिक से पहले कोई क्वेश्चन था क्या जो डिस्कशन में रह गया था? ये हो गया था बेंजोइक एसिड ना, इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग, ये सब बता दिया था। कोई क्वेश्चन था क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, अच्छा, इनमें से कोई क्वेश्चन डियो डिस्कस करना है? हमने तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे क्या? ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए क्या? कौन सा वाला बाकी है? कोई बाकी है लास्ट वाला? अच्छा ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ओके, डिस्कस करते हैं। ठीक, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सब लोग ऑब्जर्व करना। आयोडीन कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। फॉर्मिक एसिड है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। सीएल कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। पीएच, बेंजोइक एसिड है ना, पीएच जो दिया हुआ है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक वो होगा जिसमें कैसा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। तो जब पास में होगा तो माइनस आई ज्यादा और दूर होगा तो माइनस आई कम, ऐसे ही पढ़ा है अपन ने। पास में होगा तो माइनस आई ज्यादा, दूर होगा तो माइनस आई कम, ऐसे ही पढ़ा है ना बेटा? ऐसे पढ़ा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा एसिडिक इन सब में कौन सा होना चाहिए? इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसमें माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो माइनस आई तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सी में डिस्टेंस ज्यादा है या कम है ये बताओ पहले।
सी में डिस्टेंस ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा तो माइनस आई ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा, है ना। तो इसका मतलब जिसमें माइनस आई जिसमें पास में होगा उसमें माइनस आई क्या लगेगा? ज्यादा, है ना। ऐसे ही होता है ना, जो पास में होगा उसका माइनस आई ज्यादा, जो दूर होगा उसका माइनस आई कम, है ना। तो इसका मतलब इनमें आयोडीन जो है वो पास में है इसलिए माइनस आई क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। और अगर आयोडीन दूर होता तो माइनस आई क्या लगता? कम लगता, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो अपना कौन हो जाएगा? ए। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट? ए पहले आएगा, इसमें कोई डाउट? श्योर, ठीक है। अब डी में रेजोनेंस है, सभी में रेजोनेंस है, सभी में रेजोनेंस है बेटे। कार्बोक्सिलिक आयन बनाओगे जब H प्लस लूज करेगा तो सभी में रेजोनेंस हो रहा है। कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, सभी में रेजोनेंस हो रहा है। हो रहा है क्या? जब सभी में रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब जो आप फैक्टर बोल रहे हो क्या वो अप्लाई होना चाहिए? जो आप फैक्टर बोल रहे हो क्या वो अप्लाई होना चाहिए? बताओ क्या कहते हो? अप्लाई होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए सबसे एसिड तो हो गया ए। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो मुझे बताओ ये जो सीएल है, सीएल का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गया। सीएल का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से सीएल का माइनस आई बहुत ज्यादा कम लगेगा। इसी वजह से फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कंपैरिजन होगा तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। तो पहले बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा? डी, और डी के बाद क्या आएगा? अपना कौन सा? सी। तो आंसर आता है ए बी डी सी विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी डी सी। देखो सीएल का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। सीएल का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट लगाने की टेंडेंसी जो है वो इसकी बहुत कम हो जाएगी, है ना। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया और डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से आई इफेक्ट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, है ना। इसी वजह से लास्ट में आता है कौन? अपना सी। समझ में आया? समझ में आया? पीएच का, पीएच का माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करें। बिल्कुल सही बात है, पीएच का माइनस है, ठीक है, पीएच का माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करें। बी और डी में, बी और डी में लास्ट क्लास में बताया था बी जो है उसका माइनस आई ज्यादा होता है। सॉरी, बी और डी फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड, पी के वैल्यू लिखवाई थी 3.77। इसकी कितनी बताई थी याद है क्या? कितनी पी के वैल्यू थी? 4.21 बताई थी ना। इसलिए बी और डी में कौन ज्यादा एसिडिक? बी इज मोर एसिडिक देन डी, है ना। ऐसा, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मैलिक फ्यूमरिक तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन। अगर फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन में देखें तो फिनॉल जो है वो अपना H प्लस लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस। लेकिन जब हम साइक्लोहेक्सेनॉन की बात करेंगे तो H प्लस जैसे ही लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। तो इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ए का एसिडिक नेचर ज्यादा, बी का एसिडिक नेचर एसिडिक। आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हमें कंपेयर करना है ए और बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल दिया हुआ है, फिनॉल में H प्लस हटाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, दोनों ही फिनॉल हैं तो दोनों का फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस कर रहा है। मेटा पोजीशन पर ग्रुप है, मेटा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट? आई इफेक्ट। सी एस थ्री कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई। और सी एल कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, ठीक है। तो क्या लगता है, प्लस आई एसिडिक नेचर बढ़ाता है या माइनस आई? हमने बढ़ाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच
प्लस एम। इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन, ज्यादा एसिडिक कौन, बी, बी विल बी मोर एसिडिक देन ए। समझ में आया, आसान था। अब तो और इफेक्ट लगाना आ गया होगा, ऑर्थो पैरा पर एम इफेक्ट, मेटा पर कौन सा इफेक्ट, आई इफेक्ट। ऑर्थो पैरा पर कौन सा इफेक्ट, एम इफेक्ट, मेटा पर कौन सा इफेक्ट, आई, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चलो करो अटेम्प्ट, ये अच्छा दिया हुआ था ना, होमवर्क दिया हुआ था, अटेम्प्ट तो करा ही होगा। कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, कॉन्जुगेट बेस, है ना। NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम, पैरा पर है। CHO कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम। OCS3 ऑक्सीजन पर लोन पर होता है, कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, माइनस एम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्लस एम के। इसका मतलब माइनस एम वाले पहले आएंगे, और माइनस एम में पहले आएंगे तो किसका माइनस एम ज्यादा होता है, NO2 का माइनस एम क्या होता है, मोर, और CHO का माइनस एम क्या होता है, कम। इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ए, कम एसिडिक कौन हो जाएगा, बी। उसके बाद प्लस एम जो है वो एसिडिक नेचर को कम करता है, इसका मतलब प्लस एम वाला बाद में आना चाहिए, पहले कौन आना चाहिए, इसके पहले कौन आना चाहिए, डी, तो पहले डी आ जाएगा, बाद में कौन आ जाएगा, सी। तो आंसर आया ए बी डी सी। हाँ जी, कितनों का सही हुआ है, कितनों का सही हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड वन, गुड वन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब तो इफेक्ट लगाना आसान लग रहा होगा, इफेक्ट लगाना आसान लग रहा होगा, आसान लग रहा है ना, है ना, करते करते क्या सीख जाते हैं, है ना। ठीक है, धीरे धीरे, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिसॉल दिए हुए हैं, ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। इसका मतलब फिनॉल के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे बोलते हैं क्रिसॉल, कॉमन नेम क्रिसॉल होता है, ठीक है ना। अब हमने एक बात पढ़ी थी, व्हेनेवर एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इट विल शो एच इफेक्ट मोर देन आई इफेक्ट, इट विल शो एच इफेक्ट मोर देन आई इफेक्ट। इसका मतलब यहां पर CS3 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एच। मेटा पर CS3 कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। पैरा पर CS3 कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एच। ठीक है, अब प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को कम करते हैं। हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एफ, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्लस एच या फिर प्लस आई, प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब प्लस इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो जिसमें प्लस इफेक्ट नहीं है, दैट विल बी मोस्ट एसिडिक। तो इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी, कोई डाउट, डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कोई डाउट। ठीक है, अब ए बी और सी में देखें तो H इफेक्ट डोमिनेट करता है I इफेक्ट से। इसका मतलब प्लस H ज्यादा डिक्रीज करेगा एसिडिक नेचर और प्लस I जो है वो कम डिक्रीज करेगा, इसलिए पहले कौन आएगा, B। कोई डाउट अभी, कोई डाउट अभी, ठीक है। अब प्लस H और प्लस H दोनों सेम हो गए, प्लस H A में प्लस H है और C में प्लस H है। जब H इफेक्ट सेम लगेगा तो क्या देखेंगे, प्लस I, तो यहां पर प्लस आई क्या लग रहा है, मोर, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन प्लस आई ज्यादा लगता है, पैरा पोजीशन पर प्लस आई क्या लगता है, कम लगता है। इसका मतलब जिसमें प्लस आई कम लगेगा, जिसमें प्लस आई कम लगेगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा, इसलिए पहले कौन आएगा, सी, और बाद में कौन आएगा, ए। समझ में आया, तो आंसर आ गया डी बी सी ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कितनों का सही हुआ है, बहुत बढ़िया, कितने लोगों का गलत हुआ है, सही हुआ है उनसे कोई मतलब नहीं है ना, गलत हुआ है, कितनों का गलत हुआ है, गलत हुआ है वो लोग बताएं, मेरा गलत हुआ है। बी में एच इफेक्ट हो ही नहीं सकता, मेटा पर एच इफेक्ट नहीं होता है, है ना, ऑर्थो और पैरा पर ही एच इफेक्ट लगता है, लिखा हुआ है आपने नोट्स में, ठीक है ना, सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, है ना। ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस एम। मेटा पोजीशन पर NO2 है, कैसा इफेक्ट लगाएगा, कैसा इफेक्ट लगाने वाला है, माइनस आई।
पैरा पोजिशन पर एनओ टू है, कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस एन, ठीक है, यहां पर कोई इफेक्ट लास्ट में नहीं, ठीक है। माइनस इफेक्ट जो है वो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई इनवर्सली टू द प्लस आई प्लस एच प्लस एम, ठीक है। तो माइनस एम इफेक्ट जिसमें होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा। तो माइनस एम तो दोनों में बराबर होता है, तो क्या देखेंगे माइनस आई, यहां पर माइनस आई क्या है मोर, और यहां माइनस आई क्या है लेस। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए, उसके बाद कौन होगा सी, उसके बाद नेक्स्ट एसिडिक कौन होगा जिसमें माइनस आई है, क्योंकि माइनस आई जो है वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है, फिर क्या आना चाहिए बी, और लास्ट में कौन होना चाहिए डी। तो आंसर आना चाहिए ए सी बी डी, ए सी बी डी विल बी द आंसर। हाँ जी, कितने लोगों का आंसर आया ए सी बी एंड डी? हाँ जी, कितने लोगों का आंसर आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आंसर लेकिन गलत होता है, ठीक है, ये आंसर होता है लेकिन ये आंसर गलत है। आपने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाए हैं, कोई गलती नहीं करी है कॉन्सेप्ट लगाने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं हुआ है, ये होता क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H प्लस लूज करने की टेंडेंसी इसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये H प्लस लूज करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि इसके हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है NO2 ने, तो ड्यू टू एच बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकम्स लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो लिखते हैं पॉइंट, लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू एच बॉन्डिंग। लिख लिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनॉल देन एच बॉन्डिंग, लिखा सबने। चलो अब मैं आपको इनकी पीकेए वैल्यू बताता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है इसकी पीकेए वैल्यू, मैं पीकेए वैल्यू लिखने वाला हूं, इसकी होती है 7.2, पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है इसकी पीके वैल्यू होती है 7.1, मेटा नाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू होती है 8.3, और जो फिनॉल होता है उसकी पीके वैल्यू होती है 10.0, ठीक है, ये होती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है मैंने लिख दिया है इसलिए, है ना, अगर आप मिस कर गए हैं कोई बात नहीं है, स्क्रीन पर देखिए मैंने पीके वैल्यू लिख दी है। अब आपने पढ़ा था पीकेए वैल्यू ज्यादा एसिडिक नेचर कम, पीकेए वैल्यू ज्यादा एसिडिक नेचर कम, तो क्या कहते हो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, सी, सी के बाद क्या आएगा ए, ए के बाद क्या आएगा बी, और उसके बाद क्या आएगा डी। तो आंसर आता है सी बी ए, सी ए बी डी, सी ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप लोग सब लोग ऑब्जर्व करें, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर डिक्रीज कर गया है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया है, क्या कितना फर्क आया, 0.1 का फर्क आया, कितना फर्क आया 0.1 का फर्क आया। इसका मतलब बच्चा मेरा सोच रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो एसिडिक नेचर सबसे कम हो जाएगा, अभी बच्चा सोच रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्या बहुत ज्यादा कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या परसेप्शन निकला,
कि माइनस एम इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा हमेशा माइनस आई से या कोई इफेक्ट नहीं लगता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से माइन्यूट बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है। आया समझ में? तो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें ये पेज नंबर 337 पर दिया हुआ है। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें ये पेज नंबर 337 पर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि आपकी वाली एनसीईआरटी में ये किस पेज पे होगा। मेरी एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है ना, उसमें ये पेज नंबर 337 पर दिया हुआ है, 12th क्लास की, है ना, ठीक है। ये पीके वैल्यू दी हुई है, क्रिसोल्स की भी दी हुई है, जो अभी हमने क्रिसोल वाला क्वेश्चन करा था उसकी भी दी हुई है ना। तो आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें एग्जाम्पल नंबर 11.4 इसको भी कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 11.4 सेम पेज पर दिया हुआ है एनसीईआरटी के, सेम पेज इसी पेज पर दिया हुआ है ये भी आप लोग ट्राई कर देना। कर लेंगे, छोड़ देता हूं मैं आपके ऊपर। छोड़ दूं, ठीक है। मैंने पेज नंबर बता दिया है, कौन सा चैप्टर है ये, फिनॉल चैप्टर है, फिनॉल चैप्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भी लिख देता हूं, है ना, ताकि दिक्कत नहीं है। और तो पढ़े लिखे बच्चे हो, डेफिनेटली ढूंढ ही लोगे, है ना। पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं सबके, क्या है, तीन तरह की एनसीईआरटी है, अलग अलग पेज नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 12th पढ़ा रहा तो हूं मैं, 12th का क्वेश्चन आ गया, 12th चैप्टर का, 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब 12th भी चल रही है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक दिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक दिया है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और एक दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है, ओके। तो समझा तो दिया ना मैंने आपको, कहाँ टेंशन लेता है वीरेश्वर, हैं, समझा दिया ना मैंने, फॉर्मूले दिए हुए तो क्या हो गया, अब तो पढ़े लिखे बच्चे हो, नाम भी तो लिखा हुआ है, कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है। अगले में कितने NO2 माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, दो NO2 माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं। अगले में कितने NO2 माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, तीन NO2 माइनस एम इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तीन NO2 माइनस एम। क्या लगता है सबसे एसिडिक कौन, सी, फिर कौन आया, बी, फिर कौन आया, ए। तीन NO2 का माइनस एम, दो NO2 का माइनस एम, एक NO2 का माइनस एम, क्या कहते हो सबसे एसिडिक कौन होना चाहिए, सी, फिर कौन होना चाहिए, बी, फिर कौन होना चाहिए, ए। हाँ जी, कितनों का ये आंसर आया है, कितने लोगों का ये आंसर आया है, बहुत बढ़िया, गुड वन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही है, परफेक्ट आंसर। किसी को डाउट, प्राची पूछ रही है एज बॉन्डिंग, चलो प्राची ऊपर वाले क्वेश्चन में जाते हैं। प्राची, कितना फर्क आया था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, कितना फर्क आया था जब हाइड्रोजन, 0.1, बहुत ज्यादा फर्क आया था क्या, नहीं आया था 0.1 का। तो एक NO2 का माइनस एम और तीन NO2 का माइनस एम, क्या कहते हो किसका माइनस एम डोमिनेटिंग करेगा, तीन का, दो का, एक का, जब एक एक माइनस एम ग्रुप थे तो 0.1 का फर्क आया था सिर्फ, जब एक एक माइनस एम ग्रुप थे तो 0.1 का इफेक्ट आया था सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब जितना ज्यादा माइनस एम होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यही वाला क्वेश्चन था सिर्फ। अब क्या होता है जब किसी भी क्वेश्चन में, हम हर साल देखता हूं मैं, है ना, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, है ना, 10-12 साल हो गए, तो मैं क्या देखता हूं कि जितने भी बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बार बता दो तो हर क्वेश्चन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही लगाता है, है ना। जितने भी बच्चों को सबको पहली बार कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दिया, मतलब इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया ना, तो हर क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाएगा, ये एक गलत प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा था
कितना डिफरेंस आता है जब ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है। माइनस आई इफेक्ट तो कब कंपेयर करते, जब एम इफेक्ट सेम होता, जब एम इफेक्ट सेम होता तब तो माइनस आई से कंपेयर कर रहे होते, जब एम इफेक्ट सेम ही नहीं है तो माइनस आई से कंपेयर कैसे करते हैं। ये बीच में प्रोपेन वन ऑल क्या होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है इसको छोड़ दूं और प्रोपेन वन ऑल बताऊं क्या टॉप, मतलब मैं समझाना वगैरह बंद कर देता हूं तुमको, है वीरेश्वर ये चीज करनी चाहिए मुझे ना, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला है क्या, मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला है क्या, अभी मैंने बोला जाके पढ़ लेना ये लिया हुआ है वहां पर, अभी पढ़ना है क्या, मतलब मैं एनसीईआरटी खोल के बैठ जाऊं अपन एनसीईआरटी डिस्कस करें क्या, समझदारी रखो ना, हैं ऐसे क्या करते हो। वापस से एक और बार मैं वापस से बताता हूं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन यही वाला था, यही वाला क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था, तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया है ना। और दूसरा एक और चीज समझ में आई, ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बिल्कुल ही एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाता है, कितना फर्क आया, 0.1 का फर्क आया, मेटा वाला अभी भी लेस एसिडिक ही है क्योंकि 8.3 pKa वैल्यू है। आगे बात समझ में, और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, हो सकता है अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्या कहते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, करो सॉल्व। पानी रख दे, क्या कहते हो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, पहला आंसर आ गया बी सी ए, ओके सी बी ए, ओके और कोई सॉल्व किया हो आंसर बताना चाहता है, बी सी ए लिखा हुआ है, और कोई आंसर, बी सी ए, गिलास लो गिलास, सी बी ए डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, बी सी ए सी बी ए, ये दो ही आंसर आ रहे हैं, ओके चलो डिस्कस करते हैं। बी ए सी कुछ भी लिख देंगे अब अपन, है क्या बात है, बहुत बढ़िया, चार ऑप्शन बनवा रहे हो तुम, है चार ऑप्शन, ए बी सी, वेरी गुड, वाह वाह वाह, है ना क्या बात है, बहुत बढ़िया, ए बी सी, चलो डिस्कस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले में फिनॉल है, फिनॉल एच प्लस टू करेगा, कॉन्जुगेट बेसी बनेगा, राइट, सेकेंड ऑप्शन में एक फिनॉल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन पहले एच प्लस टू करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एच प्लस टू करेगा, सल्फोनिक एसिड एच प्लस ज्यादा, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या फिनॉल, क्या लगता है, सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक या फिनॉल, सल्फोनिक एसिड, इसलिए सल्फोनिक एसिड एच प्लस यूज करेगा। अब बताओ सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक एसिड या फिनॉल, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल, सुपर एसिडिक कौन, सल्फोनिक एसिड में 3 इक्विवेलेंट RS, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्विवेलेंट RS एंड फिनॉल में नॉन इक्विवेलेंट RS, इसका मतलब सुपर एसिडिक कौन हुआ, C, फिर आया B, फिर आया A, सी बी ए विल बी द करेक्ट आंसर, बुद्धू बना दिया बच्चे को, बच्चे को कैसे बुद्धू बनाया, उसने देखा फिनॉल तो वो क्या कर रहा है, इफेक्ट लगा रहा है, फिनॉल देख के फिनॉल को छोड़ दिया उसने, इफेक्ट लगा रहा है नीचे वाले ग्रुप का, इफेक्ट लगा रहा है, और नीचे वाले ग्रुप का इफेक्ट लगाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उसका, ठीक है, इफेक्ट से नहीं करना था ये क्वेश्चन, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होते हैं तो जो मोस्ट एसिडिक होता है वही सबसे पहले H प्लस लूज करता है, किसी भी मॉलिक्यूल को देखें अगर एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में मोस्ट एसिडिक जो होता है वही H प्लस लूज करता है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो जो मोस्ट एसिडिक होता है वही H प्लस लूज करता है, आप लोग लिखो इसको पॉइंट को लिखो, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन
सी के आर एस वीरेश्वर खुद बनाएगा और मुझे भेजेगा व्हाट्सएप पे, मैंने ये बनाया है। डायरिया कैसे पता चलेगा विच इज मोर एसिडिक? जो बच्चा लास्ट क्लास अटेंड किया होगा उसको पता चलेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है प्रीवियसली। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, और आपने लिखा होगा तो पता चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा, सब नोट्स में ही रहेगा। जो लाइन लिखा रहे थे वो है, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, मोस्ट एसिडिक ग्रुप विद लूज इट्स एच प्लस फर्स्ट। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, मोस्ट एसिडिक ग्रुप विल लूज इट्स एच प्लस फर्स्ट। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एसिडिक ग्रुप, मोस्ट एसिडिक ग्रुप विल लूज इट्स एच प्लस फर्स्ट। समझ में आया? If a molecule contains more than one acidic group, most acidic group will lose its H plus first. कुछ connection का issue है इसलिए video बंद हो गया है, है ना? If a molecule contains more than one acidic group, most acidic group will lose its H plus first. तो पहले एक पहले option में phenol था, ठीक है? Phenol था, अकेला phenol, एक ही acidic group है, इसके अंदर कौन सा? OH. फर्स्ट में सिर्फ OH दिया हुआ है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में अपन को कौन सा दो एसिडिक ग्रुप दिए हुए हैं? एक तो अपन को फिनॉल दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन H+ पहले लूज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लूज करेगा। अपन को एक फिनॉल दिया हुआ है और एक सल्फोनिक एसिड दिया हुआ है, दो एसिडिक ग्रुप दिए हुए हैं, तो कौन पहले H+ लूज करेगा? सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो गया, यहां पर ये ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो गया, यहां पर एक ही ग्रुप था इसलिए इसको कंपेयर करा। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप होते हैं तो जो मोस्ट एसिडिक है वही H+ लूज करता है। उसके बाद कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो सल्फोनेट आयन जो होता है उसमें थ्री इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं क्योंकि ये इसके तीन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में दो इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं क्योंकि वो दो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करता है, और यहां जो है वो क्या बनते हैं? नॉन इक्विवेलेंट आरएस, है ना? यहां नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं, यहां टू इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं, और यहां क्या बनते हैं? थ्री इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? सी, फिर बी, फिर ए। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एस आई आर इफेक्ट बताता हूं, है ना? बेंजोइक एसिड आपने पढ़ा था, बेंजोइक एसिड बल्कि ग्रुप होता है, पता है क्या आपको? एक बार बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप जो होता है दैट इज अ बल्कि ग्रुप, सी डबल बॉन्ड OH बल्कि ग्रुप होता है, पता है आपको, मैंने पढ़ाया था एस आई आर इफेक्ट में। ठीक है, तो इस COH की ऑर्थो पोजीशन पर कभी कोई बल्की ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे ये जी ग्रुप है, मान लो ये बल्की ग्रुप है, कैसा ग्रुप है? बल्की ग्रुप, है ना? तो जब बल्की ग्रुप आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पर, ये मान लेते हैं दिस इज बल्की ग्रुप, तो ये बल्की ग्रुप क्या करता है? इस COH ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देता है, मतलब ये घुमा देता है, ठीक है, ऐसे घुमा देता है। जैसे ही घुमाएगा तो उस केस में COH ग्रुप का रेजोनेंस क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा बेंजीन के साथ। किसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा? बेंजीन के साथ। और बेंजीन के साथ जब ये इसका रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो एसिडिक नेचर जो होता है वो बेंजोइक एसिड का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको फंडा बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है। जब बेंजोइक एसिड में अपन कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो बेंजोएट आयन बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस बना रहा है तो इक्विवेलेंट आरएस बना रहा है, सीओ माइनस आपस में रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है।
तो जब बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो उस केस में ये स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इन इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें, अब देखो दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब बताओ क्या ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या ये आपस में आप रेजोनेंस कर पाएंगे? ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप आपस में रेजोनेंस कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, चार्ज बढ़ रहा है। अब देखो चार्ज बढ़ गया ऑक्सीजन, पहले क्या होता अगर ये बेंजीन नहीं होता, अगर बेंजीन नहीं होता, ठीक है अगर बेंजीन को हटा दें, हाईलाइट कर देता हूं बेंजीन को, ठीक है अगर ये बेंजीन नहीं होता तो डेफिनेटली हमेशा जो CO- है हमेशा रेजोनेंस कर रहा होता और इक्विवेलेंट RS बनाता, क्या बनाता इक्विवेलेंट RS। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये इक्विवेलेंट RS बनाने की टेंडेंसी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात, क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर गया, किसके साथ रेजोनेंस कर गया, बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर गया, इसलिए इक्विवेलेंट बनाने की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होगी। समझ में आई क्या ये बात, इक्विवेलेंट आरएस बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जब इसकी ऑर्थो पोजिशन पर बल्कि ग्रुप आएगा, तो आपने क्या सीखा था, जैसी ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आएगा तो ये COOH ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देगा, और जब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो उस केस में ये CO- इसके साथ पाई बॉन्ड जो रेजोनेंस कर रहा था, ठीक है अब ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, मतलब ये बेंजीन के पाई बॉन्ड जो है ये आउट ऑफ प्लेन हो गया। बेंजीन को आउट ऑफ प्लेन बोलो या COOH को आउट ऑफ प्लेन बोलो, जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया अब इसका जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा था जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम पर चार्ज बन रहा था, वो जो चार्ज है वो अब नहीं बन पाएगा। अब ये सिर्फ जब रेजोनेंस करेगा तो हमेशा इक्विवेलेंट आरएस ही बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ही रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तब उस केस में यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पाएंगे, है ना। और जब यही रेजोनेशन बन पाएंगे तो इक्विवेलेंट आरएस बनने की टेंडेंसी हमेशा ही रह जाएगी, और इक्विवेलेंट आरएस हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट आरएस, पता है ना ये बात आपको, ठीक है। तो ये हमेशा बनेगा, ऑलवेज फॉर्म्स क्या बनाएगा, इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है, और हमेशा इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा। इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जो दूसरे डेरिवेटिव है, मतलब ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगाया पैरा पर, सॉरी पैरा पर या मेटा पे ग्रुप लगाया या सिर्फ बेंजोइक एसिड है, उनसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, तो बेंजोइक एसिड में जो बेंजोएट आयन है, दिस इज नोन एज बेंजोएट आयन, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा तो उस केस में ये दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे आपस में, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन जब बल्कि ग्रुप आया तो बल्कि ग्रुप ने क्या कर दिया, इसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया। जैसे ही आउट ऑफ प्लेन करा तो देखो ध्यान से देखना, ये बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड, है ना, और ये आपका ये बेंजोइक एसिड में ये बेंजीन है और ये COOH ग्रुप है, ये बना सेम प्लेन में, ठीक है, ये दोनों सेम प्लेन में है, रेजोनेंस कर रहे हैं। लेकिन जब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा ऐसे, यहां ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप आ गया, इस जगह पर बल्कि ग्रुप आ गया, तो ये ऐसे घूम जाएगा। जब ये घूम जाएगा तो अब ये रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, इसी को तो बोलते थे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इनहिबिशन हो गया, अब रेजोनेंस नहीं होगा बेंजीन के साथ। जब बेंजीन के साथ नहीं होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमेशा इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा, और इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा मतलब इक्विवेलेंट आरएस बनाने की टेंडेंसी क्या हो गई, बढ़ गई, और इक्विवेलेंट आरएस बनाने की टेंडेंसी बढ़ गई इसका मतलब क्या बढ़ गया, एसिडिक नेचर बढ़ गया, क्या बढ़ गया, एसिडिक नेचर। समझ में आया क्या? तो इसलिए कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड विल बी मोर एसिडिक देन
हम एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ टॉपिक पढ़ रहे हैं, एसिडिक नेचर कैसे बढ़ रहा है वो चीज समझा रहा था मैं आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अपने कॉन्सेप्ट मत बनाओ, जो सिखा रहा हूं वो सीखो, है ना, अपने कॉन्सेप्ट मत बनाओ। तो कब होगा ऐसा, जब COS के ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप होगा तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो क्वेश्चन से समझ में आया, ऑब्जर्व करो। देखो अभी मैंने सिखाया तुमको, ये यहां पर रेजोनेंस कर रहा था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये लोन पर से इलेक्ट्रॉन दिया, या नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा बना। लेकिन जब COS के ऑर्थो पोजीशन पर ये बल्कि ग्रुप आया तो बल्कि ग्रुप ने क्या करा, ये बल्कि ग्रुप यहां पर ये अब वापस से सेम प्रोसेस हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन अब इस बार जो बल्कि रेजोनेंस बिटवीन रिंग एंड COS ग्रुप स्टॉप्स ड्यू टू SIR इफेक्ट। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ तो इस केस में इक्विवेलेंट RS बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इक्विवेलेंट RS बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आपस में ही रेजोनेंस करता रहेगा, ये आपस में रेजोनेंस करेंगे तो हमेशा इक्विवेलेंट रेजोनेंट सिस्टम बनेगा। समझ में आई बात। और यहां पर देखें, जब बेंजोइक एसिड था तो बेंजोइक एसिड में इक्विवेलेंट RS बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, एग्जांपल क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब बताओ COH बल्कि ग्रुप होता है, NO2 भी बल्कि ग्रुप होता है, दोनों बल्कि ग्रुप होते हैं, COH भी बल्कि ग्रुप होता है, NO2 भी बल्कि ग्रुप होता है, होता है कि नहीं होता। तो COH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जैसे ही आउट ऑफ प्लेन होगा कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है, SIR इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाता है, इसलिए बोलेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, A। अब इसके बाद इफेक्ट लगा लो, NO2 मेटा पर है कौन सा इफेक्ट, -I, NO2 पैरा पर है कैसे इफेक्ट, -M, और यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब A, A के बाद ज्यादा एसिडिक कौन होगा, C, सी के बाद कहना चाहिए बी, और बी के बाद कहना चाहिए डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और बात सीखी, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बात भी नहीं आएगी, क्योंकि ये ऐसे घूम गया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा NO2 के साथ, ठीक है, जो कि फिनॉल में हो रहा था, किसमें हो रहा था, फिनॉल में। तो फिनॉल में ऐसा हो रहा था कि फिनॉल OH इज नॉट अ बल्कि ग्रुप, ठीक है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बल्कि ग्रुप होता है, NO2 भी बल्कि ग्रुप होता है, तो उसने उसको आउट ऑफ प्लेन कर दिया, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। समझ में आ गया। तो इसका मतलब SIR इफेक्ट बढ़ता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर SIR इफेक्ट लगता है तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा SIR इफेक्ट लग रहा है, पहली बात COH पर लगेगा, फिनॉल पे, OH पे नहीं लगता है, COH पे लगता है, क्योंकि COH बल्कि ग्रुप है और दो बल्कि ग्रुप होने चाहिए, तो COH खुद एक बल्कि ग्रुप हो गया, उसके अलावा एक और बल्कि ग्रुप आएगा तभी ऐसा हो। सर ये बल्कि ग्रुप कौन से होते हैं, तो ये मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। समझ में आया भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ में तो COH ही आएगा सत्यजीत, एसिडिक स्ट्रेंथ में तो COH ही आएगा ना बेटा, है फिनॉल कैसे आएगा, OH तो बल्कि होता ही नहीं है भाई। SIR इफेक्ट किसमें लग सकता है, SIR इफेक्ट उसमें लगेगा जिसमें दो बल्कि ग्रुप आएंगे, और दो बल्कि मतलब वो जो ग्रुप है वो भी एसिडिक होना चाहिए, आने वाला ग्रुप जो है वो एक और बल्कि होना चाहिए, तभी SIR इफेक्ट लगेगा। और सर कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये दे रखा है ना, ये आएगा ना, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होता होगा तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, है ना, छुपा के थोड़ी रखना है तुमसे, तुम्हारे मार्क्स स्कोर करवाने या कम करवाने, स्कोर करवाने ना, तो इसलिए जैसा क्वेश्चन आता है वही लिखा हुआ है। क्लियर है के बात, क्लियर है के बात, ओके। अगर आप ये क्वेश्चन, अब सुन लेना बात ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इफेक्ट से ही करते हो, SIR नहीं लगाते हो, तब भी क्वेश्चन से का आंसर सेम आता है, लेकिन दिमाग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है, उस केस में आप गलत कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे ना, -M, 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 पहले वाले में -M, फिर अगले वाले में -I, फिर -M, फिर MM सेम हो गया, I इफेक्ट, तब भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, ACBD ही आंसर आएगा, लेकिन लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिमाग में आ गई ना तो गलत हो जाएगा,
इसलिए मैंने कहा था वहां मार्क करा के फिनॉल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? अनुराग करा बड़ा लफड़ा है यार, इतनी सारी बातें, इतने सारे पॉइंट, तीन क्वेश्चन करा है, तीनों क्वेश्चन में अलग अलग पॉइंट, कितना पढ़ूंगा मैं, कितना कलेक्ट करूं इंफॉर्मेशन, भयंकर कंफ्यूज कर दिया सर ने तो मुझे, ऐसा चल रहा है ना। तो सर सिंप्लीफाइड कर रहे हैं चीजों को, पहली बात तो सर ये बता रहे हैं कि कहां आप गलती करोगे। अगर सर नहीं बताए ये बातें तो डेफिनेटली सब कुछ समझ में आता रहेगा और सर कंफ्यूज ही नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बनाना है मुझे बच्चों के, इंक्रीज करना है लेवल को, डिक्रीज नहीं करना है। तो इंक्रीज करने में मेहनत लगती है, दिमाग का यूज होता है, और दिमाग का यूज जब होता है तो चीजें सिंप्लीफाइड होती हैं। भैया याद कुछ भी नहीं करना है, याद कुछ भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आया जिस वजह से परेशान हो गए तुम लोग, सोचो एक क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आया परेशान हो गए, एक क्वेश्चन SIR इफेक्ट का आएगा परेशान हो गए, फिर अगला क्वेश्चन कुछ और आएगा तो परेशान हो जाओगे। इसका मतलब परेशानी इकट्ठी कर रहे हो क्या तुम? इसका मतलब तो चीजें हमेशा क्या होती है, रोड हमेशा प्लेन रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट बनाए हमने, हमने बोला एसिडिक एसिड का क्वेश्चन हमेशा सही हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से, लेकिन क्या सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? 95% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, 5% क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो इन क्वेश्चन को अलग रख लेंगे ना, कहाँ टेंशन है। 5% क्वेश्चन के लिए परेशानी क्यों लेनी है, क्वेश्चन तो 95% क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लगता है अच्छे क्वेश्चंस को अलग कर देना चाहिए तो डेफिनेटली आपको अलग करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। करो सॉल्व, बिल्कुल लिख लेना चाहिए। माइनस आई आंसर आया ABCD, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, गुड वन, शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। कितना का गलत हुआ, किसी का गलत हुआ क्या? बल्कि ग्रुप है, SIR भी लग जाएगा, सही बात है, तब भी आंसर सेम। हेलोजन का M इफेक्ट लगता ही नहीं है, हेलोजन का कौन सा इफेक्ट होता है? -I इज मोर देन M इफेक्ट, पढ़ा हुआ है आपने, -I इज मोर देन M इफेक्ट, पढ़ा हुआ है आपने, M इफेक्ट लग ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन करो सॉल्व। ए ऑप्शन, कौन सा इफेक्ट लगाऊं? क्या CH3 बल्की ग्रुप है? यस। क्या CUHB बल्की ग्रुप है? यस। कौन सा इफेक्ट? SIR इफेक्ट, इसका मतलब सबसे एसिडिक होना चाहिए ए। CH3 कैसा इफेक्ट? प्लस आई। पैरा पर CH3 कैसा इफेक्ट? प्लस एच। यहां कोई इफेक्ट नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, इसका मतलब प्लस एच प्लस आई दोनों ही एसिडिक नेचर को कम करेंगे, इसलिए ए के बाद क्या आना चाहिए? डी। डी के बाद क्या आएगा? बी। और बी के बाद क्या आएगा? सी। तो आंसर आएगा ABBC। हाँ जी, इसी के साथ कितने लोगों का गलत हो गया है? गलत हो गया, शिवांश का गलत हुआ, ओके, नहीं आया, प्राची को नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करें। व्हेनेवर एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन,
it will show H effect more than I effect. Whenever alkyl group is present at ortho para position, it will show H effect more than I effect. ये बातें मैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से करता आ रहा हूं. लेकिन यहां पर एक और चीज हुई, क्या एल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, और COH भी बल्कि ग्रुप होता है. तो जब दो बल्कि ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर आते हैं तो COH को आउट ऑफ प्लेन कर देते हैं. इस इफेक्ट को बोलते हैं SIR इफेक्ट, और SIR इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज. तो यहां पर मिथाइल जो है वो COH ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन कर देगा. किस इफेक्ट की वजह से? SIR इफेक्ट की वजह से. और SIR इफेक्ट की वजह से एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? ए, क्योंकि यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा था? SIR इफेक्ट. क्योंकि हमने पढ़ा है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज द मोस्ट एसिडिक अमंग अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव व्हेन इट कंटेन्स बल्कि ग्रुप. व्हेन बल्कि ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन देन बेंजोइक एसिड बिकम्स मोस्ट एसिडिक देन अदर बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव. दूसरे बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव से भी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा अगर बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है. समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल. एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देता है चाहे कोई दूसरा बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, मतलब मेटा पर ग्रुप है, पैरा पर ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. डोनेटिंग ग्रुप है या विथड्रॉइंग ग्रुप है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. ज्यादा एसिडिक हो जाता है जब बल्कि ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है. अब बात ये आती है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये चीजें पता कैसे चली. मतलब आप ये सोच रहे हो ये पता कैसे चला, है ना, ये सर कंफ्यूज कर देते हैं ऐसा. मतलब तुम कमेंट कर रहे हो मुझे, है ना, और ब्लेम कर रहे हो कि बार बार कुछ नया चीज बता देते हैं ये, है ना. मतलब मुझे चीजें समझ में आने लगती हैं तो कुछ नई चीज नई फफून डाल देते हैं जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है ना. मतलब एक जैसी चीजें नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं सर, है ना. तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं, किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए पीकेए वैल्यू मेजर होती है, ठीक है. देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ एसिड जिनकी पीकेए वैल्यू लिखी हुई है. उन पीकेए वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनी है कि ये कैसे आया, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ. तो भैया जस्टिफाई करने के लिए कि भाई ये एसिडिक नेचर जब हम बेंजोइक एसिड या उसके डेरिवेटिव को देखते हैं, ठीक है, तो उस केस में साइंटिस्ट ने क्या पाया कि जो बेंजोइक एसिड थे, जो दूसरे डेरिवेटिव थे, उसकी पीके वैल्यू और ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्कि ग्रुप आए तो उनकी पीके वैल्यू में एकदम ग्रेजुअल चेंज आ गया. मींस पीके वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई. अब जब पीके वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई तो उन्होंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है इसमें जिसकी वजह से पीके वैल्यू एकदम से कम आ रही, ठीक है ना. तो उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने प्रपोज करी थ्योरी SIR इफेक्ट. उन्होंने बताया कि यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से चाहे डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है तो वो उस केस में बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है. तो पहला तरीका तो ये है, मेरे बच्चे जो है या कोई भी बच्चा जो है वो सारे जितने भी एसिड है सबकी पीके वैल्यू याद कर ले, है ना. सबसे आसान तरीका ये है. क्या आप सारे थाउजेंड्स ऑफ एसिड्स की पीके वैल्यू याद कर लोगे? बताओ ना, पॉसिबल है क्या ये? पॉसिबल ही नहीं है, है ना. पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना. पागल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात बोला, पागल हो जाएंगे ना. इस पागलपन को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. अब इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 95% सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना. तो उसमें से भी 5% क्वेश्चन होंगे वो इफेक्ट से सॉल्व नहीं हो रहे हैं. कौन से वाले? एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, आई इफेक्ट. इससे नहीं हो रहा था क्वेश्चन, फिर भी समझा नहीं पा रहे थे कि इसका एसिडिक नेचर हुआ है. तो रिसर्च हुई तो पता चला अच्छा इसमें एक और इफेक्ट लगता है, कौन सा? SIR. इसलिए पढ़ रहे हैं. समझ में आया क्या? तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंप्लीफाइड करूं तुम्हारे लिए, ठीक है. मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, चीजें सिंप्लीफाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ. और अगर आपको लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो उन क्वेश्चन को अलग से रख देना और सोच लेना कि याद ही करना है, तो वो भी एक सिंपल चीज हो जाएगी, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं.
अब बताओ ए और बी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताओ क्या कहते हो, मारो तुक्का मारो यही तो सिखाना है ना सत्यजीत आप क्या करोगे पहला ऑप्शन ए इक्वल्स टू बी, दूसरा ऑप्शन ए इज मोर देन बी, अगला ऑप्शन बी इज मोर देन ए, ठीक है? अरे डिग्रीज है वो, बी ए डिग्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इतना सारा डिग्रीज ऑर्डर, बी इज मोर देन ए नहीं लिखना ना, या फिर ए इज मोर देन बी है, चलो दोनों ही बल्कि ग्रुप में, यही सिखाना था, दोनों बल्कि ग्रुप आएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बता दूं क्या ट्राई करते रहोगे, फंस गए ना, हाँ फंस ने बचा, मैं बहू ना बचाऊंगा सब, बचाऊंगा सब, अगर दोनों बल्कि ग्रुप आ जाए, अगर दोनों बल्कि ग्रुप आ जाए तो जिसकी बल्किनेस ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक करेगा, अगर दोनों बल्कि आ जाए तो जिसकी बल्किनेस ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। अब बताओ मिथाइल की बल्किनेस ज्यादा हो गया इथाइल, मिथाइल इथाइल किसकी बल्किनेस ज्यादा है, मिथाइल इथाइल, इथाइल मतलब होता है CH2CS3, ये इथाइल की बल्किनेस ज्यादा है, इसका मतलब बी का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ए का एसिडिक नेचर कम होगा, किस वजह से, मोर बल्कि ग्रुप, मोर बल्कि ग्रुप है ना, ईटी इथाइल इज मोर बल्कि देन मिथाइल एमई, समझ गए, समझ गए कैसे फंसे, दोनों बल्कि होंगे तो क्या करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, देखो ऐसा यार इफेक्ट पड़ा, ऐसा यार लगा लिया तुमने, अलग अलग पोजीशन में होंगे तो क्या करेंगे, लेकिन मान लो दोनों ही औरतों पे आ गए, दोनों ही बल्कि हुए तो क्या करना होगा, वो चीज सीखी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, कार्बोक्सिलिक एसिड से एच प्लस लूज होगा, जो होगा होता होता की बात मत करो वीरेश्वर, जो चल रहा है अभी उसको पूछो, उसको देखो, NO2 होता तो डेफिनेटली NO2 को बोलते हैं, क्योंकि NO2 जो है विड्रॉइंग इफेक्ट भी लगाते हैं, माइनस इफेक्ट इसलिए भी है ना। हाँ जी अब बताओ इन तीनों में क्या लगता है सबसे एसिडिक कौन, ए बी सी, एक आंसर आया ए बी सी, एक आंसर आया सी बी ए है ना, ए बी सी सी बी ए, ओके दो आंसर आ गए अभी, और कोई, ठीक है चलो डिस्कस करते हैं, करूं डिस्कस, डिस्कस करता हूँ, अटेंड कर लिया ना, ठीक है दो ही आंसर हो सकते हैं, ए बी सी होगा या फिर सी बी होगा ना, यही पॉसिबल है, ये दो आंसर, ऑब्जर्व करना, जैसे कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये कार्बोक्सिलेट आयन इक्विवेलेंट आरएस बना रहा है, दिख रहा होगा आपको, ये नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन जा सके, ठीक है अब ध्यान देना, जब बी में कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उस केस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, एच प्लस लूज करने के बाद, ध्यान से सुनना, एच प्लस लूज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, अगले में एच प्लस लूज करने के बाद दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, H प्लस लूज करने के बाद दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, H प्लस लूज करने के बाद एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है B, और C में H प्लस लूज करने के बाद कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आफ्टर लूजिंग H प्लस इंक्रीज हो रही है, जब हम फिनॉल वाला क्वेश्चन करते थे तो वहां H प्लस लूज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, पहले वाले क्वेश्चन में, फिनॉल वाले क्वेश्चन में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, पैरानाइट्रोफिनॉल में, वो एक हाइड्रोजन जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था तो उसको पकड़ रखा था इतने NO2 ग्रुप में, तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, यहां पर क्या हुआ, जैसे ही एच प्लस लूज करता है उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर स्टेबल बन रहा है, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वहां पर वो लूज ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए 0.1 का डिफरेंस आ रहा था, किसका डिफरेंस आ रहा था, 0.1 का, यहां पर क्या हो रहा है, H प्लस लूज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, देखो मॉलिक्यूल के अंदर पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर आप ए में देखोगे बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए
यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हो रही है, लेकिन जैसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एच प्लस लूज करता है तो चार्ज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या न्यूट्रल में, बताओ चार्ज मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी या न्यूट्रल में? चार्ज में ज्यादा होगी, आर यू श्योर? चार्ज में ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए अभी बताओ इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई एच प्लस लूज कर दिया तो कॉन्जुगेट बेस बन गया नीचे, ये जो कॉन्जुगेट बेस बना इसमें यहां पर क्या हो रहा है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, लेस एच बॉन्डिंग, और अगले में क्या हो रही है, नो एच बॉन्डिंग। तो व्हाट डू यू से, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? शाबाश, ए फिर बी फिर सी, आंसर आएगा ए बी सी। क्या मस्त क्वेश्चन करा हमने, पहले जब क्वेश्चन करा था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक नेचर कम हो रहा था, इस क्वेश्चन को देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है, अपनी तो बैंड बदगीच है, डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? इफेक्ट से नहीं करेंगे तभी तो समझा रहे हैं, नहीं तो जरूरत क्या थी, क्वेश्चन ही हो जाता ना। समझ में आया? अच्छा अगर नवी पहले से ये एसिड टाइप के और कितने टाइप्स के हैं, बहुत इनफाइनाइट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपन उतना ही करेंगे जितना अपने काम का है। अश्प्रीत बहुत लोचा है रे बाबा इफेक्ट से भी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, प्लस एम इफेक्ट लगता है, OH का प्लस एम इफेक्ट लगता है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर जस्ट अपोजिट आएगा अगर आप एच से प्लस एम इफेक्ट से करते हो, ठीक है। अगर आप प्लस एम इफेक्ट से करें तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। फाइव स्टार क्वेश्चन, एच बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, ये क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, एसिडिक नेचर अरेंज करने की, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो पहला क्वेश्चन बताता हूं, सी एच एफ थ्री फ्लोरोफॉर्म, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सी एच सी एल थ्री, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सुना है, दिस इज नोन एज फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में अगर डिस्कस करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, यहां कॉन्जुगेट बेस बनाया, कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, एफ एफ एफ, यहां पर कॉन्जुगेट बेस बनाया सी नेगेटिव, कॉन्जुगेट बेस बनाया क्या आएगा, सी एल सी एल सी एल। जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है क्या वो सेम है या डिफरेंट, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज आया वो सेम है या डिफरेंट, सेम, इसका मतलब हमें इफेक्ट लगाना पड़ेगा, इफेक्ट लगाएंगे, यहां पर ये हो रहा है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, यहां पर ओनली माइनस आई इफेक्ट, क्या कहते हो, एसिडिक एसिड किसकी ज्यादा, क्लोरोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म, बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं इसको, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा, बैक बॉन्डिंग भी है ये, है ना, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को ही बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर बी का ज्यादा होगा ए का कम होगा। समझ में आया, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेन में करा था हमने क्वेश्चन, ठीक है, और यही क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ में आया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, एच प्लस लूज करेगा, एच प्लस लूज करेगा, जैसी कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा ऐसा, यहां कॉन्जुगेट बेस बना सल्फर नेगेटिव चार्ज ऐसा बन गया। अब कॉन्जुगेट बेस में देखें तो सल्फर में भी डी ऑर्बिटल होता है, होता है क्या, बताओ सल्फर में डी ऑर्बिटल है, होता है क्या, सल्फर में भी डी ऑर्बिटल होता है क्या, हाँ होता है, इसका मतलब ये इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या होगा यहां पर, यहां पर क्या होगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसका मतलब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग, यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, नो रेजोनेंस,
रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया, बी इज मोर एसिडिक देन, बी इज मोर एसिडिक देन ए। कोई डाउट अभी समझ में आ गया? सत्यजीत समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब क्या होता है बच्चा, एक बार वो सीखा था ऊपर है ना डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो सल्फर में क्या एकदम से वो क्लिक नहीं करता है, इसलिए वाला क्वेश्चन कराया। ठीक है, डेफिनेटली डी ऑर्बिटल अगर होगा तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिग्निटी बढ़ जाएगी। ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो इसमें जाने पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सीएल, यहाँ सीएल, ये सीएल, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, क्लोरीन एटम पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, और क्लोरीन एटम पर इलेक्ट्रॉन चल गए मतलब किसमें चल गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चल गए। और मोर साइज कैसे देखेंगे, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सेम है या डिफरेंट, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सेम या डिफरेंट, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज है वो सेम है या डिफरेंट। अदिति, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज तो सेम है, तो फिर साइज और ईएन कैसा आएगा, साइज या ईएन कब लगाते हैं, जब एटम डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब एटम सेम होते हैं तो इफेक्ट लगता है, जब एटम सेम होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो सेम है तो इफेक्ट लगेगा, जब एटम जिसमें नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पर होता है तब साइज और ईएन लगता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, ये अलग क्वेश्चन आ गया वापस आ गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया है ना, कर लिया ना, कर लिया, ये तो कर लिया ना, अभी पीछे किया था। चलो इसकी जगह एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखूं क्या नया क्वेश्चन, इसकी जगह नया क्वेश्चन कर लिया ना, ये बार बार एक ही क्वेश्चन करोगे, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, एच अल्फा एच बीटा एच गामा, कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एच अल्फा एच बीटा एच गामा। ठीक है, तो चलो एच अल्फा हटाते हैं, माइनस एच अल्फा प्लस, तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो ऐसा बनेगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, एच बीटा हटाएंगे तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस बनेगा ऐसा, सेम मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहां नेगेटिव चार्ज, और एच गामा हटाते हैं, एच गामा, तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस बनेगा आपका, सेम मॉलिक्यूल लिखते हैं, यहां आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो बना उसमें रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है फर्स्ट वाले में, तो मैं लिखते हैं यहां पर कितने आरएस हो गए, 3 आरएस, एक तो दिया हुआ है, दो स्ट्रक्चर और बनेंगे, कितने आरएस, 3 आरएस, और सी डबल बॉन्ड को कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस है, यहां पर भी सी डबल बॉन्ड को कैसा इफेक्ट, माइनस है, एच बीटा जब गया तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा इसके साथ, तो उस केस में कौन सा इफेक्ट लगाएगा, कितने आरएस हो गए, 2 आरएस, साथ में कौन सा इफेक्ट है, माइनस है, कितने माइनस है लगे, 1। नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, जब रेजोनेंस नहीं है तो कौन सा इफेक्ट, आई इफेक्ट, यहां माइनस आई, इसका भी माइनस आई, तो इसका मतलब अगर अल्फा बीटा और गामा में कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कौन, एच अल्फा, फिर कौन हो जाएगा, एच बीटा, और उसके बाद कौन जाएगा, एच गामा। समझ में आया, कोई डाउट, जो क्वेश्चन लिखा है उसमें कोई डाउट, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम करना है, ए बी सी एच में कंपेयर करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, सी एच टू एच ए गया तो आपका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, जब एच ए गया एच ए के रेस्पेक्ट में, फिर एच बी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, काम करते हैं फिर थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको,
तो एच ए गया तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ आएगा नेगेटिव एच ए के रेस्पेक्ट में। एच बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। एच सी के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच नेगेटिव और फिर सी एच थ्री, ऐसा लिखा होगा। यहां पर भी एक बीच वाले में दो कार्बन सी एच टू सी एच थ्री, ऐसा ठीक है, तीनों बना लिया बनने। तो ए में देखा तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, कितना आर एस हो रहा है, टू आर एस, कौन सा इफेक्ट ले रहा है सी डबल बॉन्ड का, माइनस है, माइनस एम इफेक्ट ले रहा है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड का माइनस है। अगला देखा तो यहाँ इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, दोनों साइड रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट माइनस है, यहाँ पे भी कैसा इफेक्ट माइनस है, दोनों का माइनस एम लग रहा है, कितने आर एस हो रहे हैं, थ्री आर एस। नेक्स्ट में देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो यहाँ पर कैसा इफेक्ट लग रहा है, टू आर एस के साथ में क्या लग रहा है, माइनस एम। साथ में मिथाइल ग्रुप जो है उसका इफेक्ट भी लग रहा है, कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस। मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई, तो ये प्लस आई इफेक्ट भी लगा रहा है मिथाइल, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक जो है आपको क्या लगता है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, अब सबसे ज्यादा एसिडिक इसका मतलब थ्री आर एस वाला, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एच बी, एच बी सबसे ज्यादा एसिडिक, एच बी के बाद क्या आना चाहिए, ए या सी, बिल्कुल सही बात है, एच ए आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए, एच सी, फिर एच सी आना चाहिए, दिस विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ। गो डाउन, समझ में आ गया क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दे दू होमवर्क, छोड़ दू, प्राची पहले ही बोल दी, छोड़ दो सर, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, नहीं पकड़ा किसी को भी, नहीं पकड़ा सबको छोड़ दिया, है ना। कुछ और इन्फॉर्मेशन वाली पॉइंट यहाँ पर दे दूंगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में, ये कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना, पढ़ लेना इसको। फिर एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, ये एसिड बेस रिएक्शन से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे। गणपति बप्पा की तैयारी करोगे, है अच्छा, अगली क्लास नहीं करेगा बच्चा, चलो ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल से एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, मॉड्यूल से एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे क्वेश्चन कर लेना, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन के भी सारे क्वेश्चन कर लेना, जो दिखे सारे क्वेश्चन कर लो, ओके। बेसिक स्ट्रेंथ के मत करना, टोटोमेरिज्म के मत करना, नहीं होंगे तो टेंशन होगी, ओके चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय।